महीनों से शुरुआत करता हूं कि जाके प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जगह पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस का फैसला लेने वाला व्यक्ति उसकी प्रभु कैसे मति घुमाता है कि वो अपना सब कुछ त्याग कर दूसरी पार्टी में चला जाता है और जाते ही सबसे पहले विधायक पद चला जाता है। और आप सबका जोश और उम्मीद से ये लग रहा है कि आने वाला सांसद पद भी जाने वाला है और पंचायती राज तो आप जानते ही हो, यहाँ बैठे हमारे नेता वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, समय जब करवट लेता है, समय जब अपना बदला लेता है, ऊपर वाले का डंडा जब चलता है, तब इसी तरीके के परिणाम आते हैं। मेरे साथियों, मैं बता दूं आपको, हजारों लोगों को खून के आंसू रुलाकर, कई लोगों को दुखी करके, हजारों युवाओं का करियर बर्बाद करके और फिर अपना घर भरने वाले नेताओं का यही हश्र होता है, ये जमाना याद रखेगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। साथियों, मैं इस मौके पर हमारे चहेते नेता स्वर्गीय उर्तिंग जी खड़िया साहब को याद करता हूं। वो शायद उनसे बड़े वक्ता थे, बड़े नेता थे और आप सबके दिलों में जगह करने वाले नेता थे। पूरे जिले में रोहित जी तो छोटे होंगे, मैं उनके साथ मीटिंगों में गया हूं, शायद उन्होंने उस समय मुझे सिखाने की कोशिश की होगी कि बेटा अगर इस तरीके के नेता होंगे तो आपको सावधान किस तरीके से रहना है और अपने लोगों में जगह बनाकर जो है सेवा का काम कैसे करना है। कांग्रेस में थे तब भी मैं उनका विरोध करता था। कारण क्या था? क्योंकि मुझे पता था कि वो किसी सरपंच को उठा के बोलते कि आजा तेरे को तो एमएलए बना दूं, तू बामणिया जी का खिलाफत कर ले। उर्तिंग जी चुनाव लड़ते तो वहां के सरपंच प्रधानों को कहते कि एमएलए तो तेरे को होना चाहिए, तू उनको चुनाव हरा। ऐसे कर करके साथियों पूरे संभाग में कांग्रेस का सत्यानाश किया, पूरे संभाग में। और दो चार एमएलए तो यहाँ भी बैठे होंगे, मैं जानता हूँ अच्छे से, वो आप फाइलें ले ले आते थे हमारे साथ में, हमारे उधर भी थे, लेकिन किसी को नहीं बनाया। और अभी भाजपा में जाते ही मैडम मैं आपको बता दूं कि जितने भी जिला परिषद है तेरे को तो जिला प्रमुख बनना चाहिए, तेरे को प्रधान बनना चाहिए, और जितने भी सरपंच है सबको प्रधान बना दिया, जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख बना दिए, लेकिन बनने वाला कोई नहीं। बनाने की कोशिश तो वो सिर्फ अपने परिवार को कर रहे हैं, पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन अब की बार ये जनता मौका नहीं देगी। इस बार बदलाव की आंधी आ चुकी है, आपका नकाब खुल चुका है, आपको पहचान लिया है लोगों ने, इस बार आपके साथ खड़े रहने वाले नहीं है। हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर का किराया बताओ कितना? 1 घंटे का 1.5 लाख, 18 घंटे दिन में चलता है तो 27 लाख रुपए के आसपास होते हैं, और 10-12 दिन चल गया तो 4-4.5 करोड़ रुपए वो कहां से पूरा करेंगे? आपके हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके पूरा करेंगे, आपके केटल शेड और इंदिरा आवास से पूरा करेंगे, वो केवल मात्र आपकी जेब से काट के वो पूरा करेंगे। मेरे साथियों, मैं जानता हूं उनको आज तक उन्होंने यही किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं उनके जिसके परिवार के विचार यो हो कि राजनीति तो मेरा धंधा है, मेरा पेशा है, मेरा व्यापार है, इस तरीके के बोल बोलते हैं कि उन्होंने राजनीति अपना जेब में रखी हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है और जनता तय करती है कि उनका नेता कौन है। और जनता ने तय कर लिया है, एक गरीब का बेटा, एक गरीब परिवार के आपके और हमारे परिवार से उठकर आया बेटा आज सांसद बनने जा रहा है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पूरी ईमानदारी से कहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से कोई सीट निकलेगी तो आपकी सीट निकलेगी, आपकी सीट, क्योंकि ये जनता की सीट हो चुकी है, ये लड़ाई आपकी हो चुकी है, आपके घर की हो चुकी है। मालविया साहब कहते हैं कि बाप बेटा दोनों करते हैं, बाप बेटा मेरे को हराने में लग गए, मैं मेरे और मेरे पिताजी के लिए। मैं उनसे कहता हूं, भैया आंखें खोलो, दिमाग दौड़ाओ, हर आदिवासी परिवार का बाप बेटा आपके साथ नहीं, राजकुमार जी के साथ में है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का हर परिवार का बाप बेटा। और साथियों, अभी
समय बहुत नजदीक है, 26 तारीख को 4 चौथे नंबर का निशान है राजकुमार जी रोज साहब का, बटन दबाकर हम उनको भारी मतों से विजय बनाए और साथ ही आज इस मीटिंग से संकल्प लेके जाए, ये प्रण लेके जाए कि आने वाले समय में हम सब जो है राजकुमार रोज बनकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब जाके हमारी आवाज जो है दिल्ली में बुलंद होगी। साथियों, यहाँ सामान्य वर्ग के भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ इस मंच के माध्यम से। मालविया साहब कहते हैं कि बीएपी वालों से डर है, राजकुमार जी से डर है कि वो आपकी जमीनें ले लेगा, आपके मकान नामे करा लेगा। मुझे बताइए, दो बार जिस व्यक्ति को सभी वर्गों की जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा हो, वो ऐसी हरकत कर सकता है? आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी वर्गों की जनता इनको आगे बढ़ा रही है। और मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिनके हाथ में बंदूकें लेकर शहर में घूमते लोग, उनसे ज्यादा खतरा है या कलम लेकर चलने वाले लोगों से? जो व्यक्ति 200 से ज्यादा प्लॉटों पे कब्जा करके बैठा है, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई शिक्षक अपने बच्चों को पालने के लिए मकान का सपना देखकर एक प्लॉट खरीदता है और उस पर जेसीबी घुमाकर मंत्री की ताकत बताकर और वहां पर अपना वर्चस्व अपनी जमीन पे कब्जा कर लेता है, ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है हमें, ना कि राजकुमार जैसे गरीब के बेटे भले लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। आज भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आइए हम सब जुड़ते हैं, एक साथ मदद करते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं जो हुतिन खड़िया जी ने कुशलगढ़ के लिए देखे थे, जो हरिदेव जोशी जी ने हमारे सबके लिए देखे थे, जो अशोक गहलोत जी देखते हैं, इन सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और बात सुने, उसके लिए दुआ।